हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे गेट सीरीज। गेट सीरीज में जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसका जो हम कर रहे थे चैप्टर फोर्थ हमारे पास था फ्लूइड काइनेमैटिक्स, मोमेंटम एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे पार्ट 10। पार्ट 10 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ए वेलोसिटी फील्ड इज गिवन एज v वेक्टर इक्वल टू 2yi + 3xj। ठीक है, वेयर x एंड y आर इन मीटर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट xy(1,1) इन द x डायरेक्शन इज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सिंपली वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है या फिर वेलोसिटी फील्ड दी हुई है हमारे पास 2yi + 3xj। तो हमें पता है जो भी टर्म आई वेक्टर के साथ होगी वो होगी यू, दैट मीन्स यू इक्वल टू 2y, और जो भी जे वेक्टर के साथ टर्म होगी वो होगी वी इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है इसमें? द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन हमने निकालनी है एक्स डायरेक्शन में। देखो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगी एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगी? ए एक्स। इसका फार्मूला हमारे पास होता है, पीछे भी हमने देखा है, यू इंटू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस वी इंटू कर्ली यू बाई कर्ली वाई प्लस डब्ल्यू इंटू कर्ली यू बाई कर्ली जेड। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन होता तो सिंपली हम यही ऐसे ही टर्म लिखते, यहाँ पे यू की जगह पे खाली वी आ जाता। ठीक है, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में आ गया वी, और जेड डायरेक्शन में करते तो डब्ल्यू आ जाता यू की जगह पे। ठीक है, तो हमें खाली करना है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे यू है, देन कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 × 0 प्लस वी इंटू कर्ली यू बाई कर्ली वाई, कर्ली यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस डब्ल्यू कर्ली यू बाई कर्ली जेड, यू को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आ गया 0। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया 2v, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2v। ठीक है, एट एक्स वाई इक्वल टू 1,1। ठीक है, एट एक्स वाई इक्वल टू 1,1, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी होगी? v की वैल्यू इक्वल टू 3 × x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 3 m/s। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन में वो कितनी होगी हमारे पास? 2 × v, दैट मीन्स 2 × v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई कितनी? 3, 3 इक्वल टू 3 × 2, 6 m/s². तो 6 m/s² आ गया हमारे पास आंसर। तो ऑप्शंस में देखेंगे हम कि हमारे पास 6 m/s² किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेडी फ्लो अकर्स इन एन ओपन चैनल विद लेटरल इनफ्लो ऑफ q m³/s पर यूनिट विड्थ एज शोन इन द फिगर, द मास कंजर्वेशन इक्वेशन इज। ठीक है, तो हमने निकालनी है यहाँ पे मास कंजर्वेशन इक्वेशन, मास कंजर्वेशन इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक डायग्राम दिया है,
कुछ इस तरीके की, ये है। यहाँ से डिस्चार्ज एंटर कर रहा है क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, यहाँ से एंटर कर रहा है। और यहाँ से भी एक डिस्चार्ज हमारे पास एंटर कर रहा है q मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, पर मीटर। और ये है हमारे पास x डिस्चार्ज, मतलब ये एक यहाँ से डिस्चार्ज एंटर कर रहा है, एक डिस्चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है, और ये डिस्चार्ज यहाँ से एक लीव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास स्टडी फ्लो अकर कर रहा है एक ओपन चैनल में विद लेटरल इनफ्लो ऑफ q मीटर क्यूब पर सेकंड। लेटरल इनफ्लो है q मीटर क्यूब पर सेकंड। द मास कंजर्वेशन इक्वेशन इज, तो हमने निकालनी इसमें मास कंजर्वेशन इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। एक एलिमेंट को कंसीडर किया, उसमें डिस्चार्ज क्यूब आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक डिस्चार्ज स्मॉल क्यूब आ रहा है, ठीक है। और ये एलिमेंट हमने लिया, इसकी विड्थ जो है dx है। यहाँ से डिस्चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज कितना होगा, क्यू प्लस डी क्यू, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा डिस्चार्ज, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ये भी डिस्चार्ज इसमें ऐड हो रहा है, तो ये क्यू प्लस डी क्यू होगा, ठीक है। देन कंसीडरिंग एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx फ्रॉम मास कंजर्वेशन इक्वेशन, अगर हम बात करें फ्रॉम मास कंजर्वेशन इक्वेशन से हम अगर बात करें क्यू प्लस क्यू डी एक्स इक्वल टू क्यू प्लस डी क्यू, ठीक है। अगर मास कंजर्वेशन इक्वेशन की हम बात करें तो जो हमारे पास डिस्चार्ज प्लस क्यू डी एक्स होगा, दैट मीन्स ये डिस्चार्ज क्यू और ये डिस्चार्ज क्यू, और इस छोटी सी विड्थ में इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, क्यू प्लस डी क्यू के बराबर, ठीक है। क्यू प्लस डी क्यू आ गया, क्यू आ गया डिस्चार्ज, पूरा जो टोटल डिस्चार्ज आ रहा है, प्लस डी क्यू आ गया चेंज इन डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास डी क्यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी क्यू बाई डी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो क्यू है ये इस साइड चले जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे किस में है, प्लस में है, इस साइड जाकर ये माइनस में हो जाएगा, दैट मीन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला जो है ये इस साइड चले जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म पूरी क्या बन जाएगी, डी क्यू बाई डी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम देखेंगे डी क्यू बाई डी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू जीरो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल वेलोसिटी फील्ड सेटिस्फाइज द कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कौन सी ऐसी टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल वेलोसिटी फील्ड है जो सेटिस्फाई करे कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है, टू डायमेंशनल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो ही डायमेंशन होंगे, x y या फिर yz या फिर xz, दो ही डायमेंशन होंगे, और हमारे पास ये बात कर रहा है इनकम्प्रेसिबल वेलोसिटी फील्ड की, ठीक है, जो सेटिस्फाई करे किसको, कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कब सेटिस्फाई करता है, जब हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड व्हेन continuity equation is satisfied, जब continuity equation satisfy होती है,
तभी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली वी बाई कर्ली वाई इक्वल टू जीरो के बराबर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। दैट मीन्स कंसिडर करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, तो इनमें से हमें क्या करना है, ऑप्शंस को ट्राई करना है। मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, ऑप्शंस को ट्राई करना है। जो वाला मेथड इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ही क्या होगा, वो ही कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में नेगेटिव एक वैल्यू नेगेटिव में एक वैल्यू पॉजिटिव में है, तो अगर उसको हम करेंगे तो उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमने ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेना। तो जब बी को सिलेक्ट हमने किया तो ये हो जाएगा कर्ली यू की वैल्यू कितनी है, माइनस टू एक्स, कर्ली इंटू माइनस टू एक्स बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली वी, वी की वैल्यू है टू वाई बाय कर्ली वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, प्लस इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी टू। ठीक है, टू और टू कैंसिल हो गया, बचा जीरो। सो हेंस हम बोलें आंसर इज बी, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ए न्यूटोनियन फ्लूइड हैज द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड। एक न्यूटोनियन फ्लूइड है हमारे पास, ठीक है, उसकी हमारे पास वेलोसिटी फील्ड एक दी है, v वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई वेक्टर प्लस टू एक्स वाई टू एक्स वाई स्क्वायर जेड जे वैक्टर प्लस वाई जेड क्यूब के वैक्टर। ठीक है, द रेट ऑफ शेयर वेलोसिटी डिफॉर्मेशन दैट मीन्स एप्सिलॉन वाई जेड एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन जेड इक्वल टू टू फॉर द गिवन फ्लो इज। सोल्यूशन करेंगे हम, सबसे पहले तो गिवन दिया है, वेलोसिटी फील्ड दी है हमारे पास, वी बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर जेड जे माइनस वाई जेड क्यूब के वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, हमें पता है कि जो आई के साथ टर्म होती है उसे हम यू बोलते हैं, दैट मीन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, इसमें वी कितना होगा 2xy स्क्वायर जेड, और w कितना होगा y इंटू जेड क्यूब। ठीक है, तो हमने निकालना है इसमें शेयर वेलोसिटी डिफॉर्मेशन दैट मीन्स एप्सिलॉन वाई जेड, हमने निकालना है एप्सिलॉन वाई जेड। तो एप्सिलॉन वाई जेड कितना होगा हमारे पास, इक्वल टू कर्ली w बाई कर्ली y प्लस कर्ली वी बाई कर्ली जेड। ठीक है, कर्ली वाई बाई कर्ली वाई जेड, कर्ली वाई जेड नहीं है, एप्सिलॉन वाई जेड इक्वल टू कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली वाई प्लस कर्ली वी बाई कर्ली जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जेड क्यूब प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जब इसको करेंगे तब कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली वाई, ठीक है, कर्ली डब्ल्यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई की डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगी और जेड की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास सेम रहेगा, ये जेड क्यूब रहेगा, ये आ गया जेड क्यूब। ठीक है, प्लस कर्ली वी बाई कर्ली जेड, वी की रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर एट माइनस टू वन
टू, ठीक है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू पे इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन वाई जेड इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस आ गया हमारे पास कौन से वाला, ये वाला, ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है जेड क्यूब, जेड कितना है टू, टू का क्यूब आ गया हमारे पास नाइन, सिक्सटीन, टू का क्यूब आ गया सिक्सटीन, ठीक है, प्लस टू इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस टू, दैट मीन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, वाई कितना है माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर आएगा हमारे पास वन के बराबर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू है एक्स की, ये क्या होगी प्लस में होगी वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू जो प्लस में होगी तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस टू इंटू टू फोर, ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, सो माइनस ट्वेल्व इज द आंसर। सो हम देखेंगे ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से, सी से मैच कर रहा है हमारे पास माइनस ट्वेल्व, सो माइनस ट्वेल्व इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सो इसी के साथ हमारे पास ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, ये हम कर रहे थे फोर्थ चैप्टर, तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाता है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसके बाद मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ले आऊँगा, इसी पहले इसी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम और भी सारी चीज़ें ले आएंगे, जैसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, और भी हम स्टार्ट करेंगे, साइलेंट फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।